हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ में, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक के पार्ट को भी और करंट अफेयर के पार्ट को भी। सबसे पहले सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, मेरा नमस्कार, है ना। तो फटाफट जो है हमारे सेशन में जुड़ जाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सेशन को शेयर करना ना भूलें। हेलो दीनदयाल, कैसे हैं भाई? क्या चल रहा है? सब बढ़िया है कि नहीं? और आप सेशन को लाइक वाइक कर दो भाई फटाफट। क्लास को हमें बहुत तेजी में आज आगे बढ़ाना है। देखो मैं भी कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए, अब आज की बड़ी खबर ये है कि हाल ही के दिनों में मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं उनको एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछा था कि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो भारतवंशी हैं। बच्चों ने इसका आंसर जो है बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी दिया है। तो भाई आपने दिया है या नहीं दिया है? तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ये है नॉलेज 365 का चैनल, जिसपे आपको मिलेंगे बहुत सारी चीजें। करंट अफेयर मिलेगा आपको, साइंस मिलेगी आपको, स्टैटिक मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, और हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। एक मिनट, चलिए ओके। मैं थोड़ा इसको रख देता हूं सामने ताकि आपका कमेंट देखता रहूं, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है मेरी सभी को? बिल्कुल आ रही है। तो क्या क्या मिलेगा आपको? करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन नेबर कंट्री, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन एंड डेट्स एंड ज्योग्राफी एंड ओपन मैक्स, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बीटेक मैंने किया है एचबीटीआई कानपुर से केमिकल में, तो केमिकल के बारे में थोड़ा बहुत मुझे अच्छे से आइडिया है। इसके साथ साथ मैंने सीजे 2017 और 18 का टायर 3 दिया है। 18 का टायर 3 हुआ, फिर टायर 4 बकाया है, तो टायर 4 का मैं जो है वेट कर रहा हूँ। यूपीपीसीएस ग्लोबल 2015 का इंटरव्यू और आईबी का इंटरव्यू दिया है। रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है, और सीजीएल 2019 में मेरा लिस्ट वन में नाम है। यार ये हैंग क्या, ये वो कर रहा है? जरा बताओ फटाफट बच्चों, बफर कर रहा है क्या ये? यस बफर कर रहा था, अभी सही है। चलो, ज्ञानेंद्र बस्ती, हेलो ज्ञानेंद्र, कैसे हैं? अगर आप हमारे लाइव कोर्सेज खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, उनसे अपने सवाल जवाब ले सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ले रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। डिस्कशन कर सकते हैं, हर एक डाउट को पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे आपको सारे के सारे जो कोर्स हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के डाल दिया। टॉपिक वाइज टॉपिक रहता है, अगर पहला टॉपिक है आज तो कल दूसरा, कल तीसरा, ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें चलेंगी। और शाम को जो 5 बजे वाला मेरा क्लास है ना, उसमें भी मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। कल मैं जो है वो करंट पढ़ाया था, आज मैं हीट पढ़ाऊंगा। जितनी भी हॉटनेस है आप जरूर वहां पे दिखाइएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ रहते हैं, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप जो है मेरे जो है कोर्सेज को खरीदते हैं। कोर्सेज खरीद के सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, उसका जब आगे जाएंगे तो इस तरीके से आपको गेट सब्सक्रिप्शन रहेगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो प्लान दिखेंगे। मेरे हिसाब से सही प्लान है 12 महीने का, जिसमें 500 रुपए मंथ के हिसाब से होता है। देखो यार, पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इतना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आप इसे कर सकते हैं, क्लियर है। आगे चलें, चलिए। तो आज और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मेरा कोड डालते हैं योगेंद्र, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। अनुष्का सिंह, गुड आफ्टरनून अनुष्का। नहीं, मैं पढ़ाते भी हैं कोर्स के साथ साथ में, आप पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। अजीत शॉ, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान लगाइए ना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही खरीदिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है? विच एसिड इज नोन एज द किंग्स ऑफ केमिकल, कौन सा अम्ल किंग ऑफ केमिकल के रूप में जाना जाता है? अब देखो, किंग ऑफ केमिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है ना, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। क्या क्या आंसर हो सकता है? H2SO4, HCl, HNO3 या फिर H3PO4, बताओ क्या आंसर बनेगा? सबसे पहले आंसर दिया है यहां पर पीयूष वर्मा ने। पीयूष वर्मा कह रहे हैं कि सर H2SO4 होगा। पीयूष, इसके साथ अर्चना राजभर कह रही सर बी आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाए जाने वाला अम्ल है,
जो स्टमक से निकलने वाला अम्ल है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रहेगा आपको। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो H2SO4 है, जो अधिकतर देखा होगा आपने कि जो जो टॉयलेट्स होती हैं, जो चीजें होती हैं उनमें साफ करने के लिए जिस एसिड का उपयोग किया जाता है, एंड दैट इज H2SO4, याद रहेगा। कभी कभी आपने मूवी भी देखी होगी कि भाई मूवी में जो है वो किसी की लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया है ना, बैटरी में जो यूज करते हैं एसिड, तो जो एसिड बैटरी में यूज करते हैं वो भी कौन सा होता है, H2SO4, ठीक है, क्लियर है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, सभी को याद रहेगा। हाँ हेलो सोनू, कैसे हैं, चलो कंफ्यूजन तो नहीं है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ में HCl मिला दो, मैंने क्या बोला, HNO3 के साथ में HCl मिला दो, इसका एक मिक्सचर बनता है जिसे कहते हैं एक्वारेजिया, क्या कहते हैं एक्वारेजिया, हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल राज। अलग अलग चीजें हैं, किंग ऑफ केमिकल अलग होता है और अम्लराज अलग होता है। अम्लराज है एक्वारेजिया, किसका मिक्सचर है, HNO3 और HCl का, किस रेशियो में मिलाया जाता है, 1:3 के रेशियो में इसको मिला लिया जाता है। बिल्कुल सही लिखा है दीनदयाल ने यहाँ पे कि सर HCl का उपयोग जो है वो, सॉरी H2SO4 का उपयोग जो है वो बैटरी में किया जाता है, बिल्कुल। छपाक मूवी में भी ये चीज दिखाई गई थी। आगे चलो, ये बात समझ में आ गई। अब देखो गाँव में क्या होता है कि ये जो एक्वारेजिया है इसका एक बड़ा यूज किया जाता है। कहां पे बड़ा, प्रत्यूष, गुड आफ्टरनून बेटा प्रत्यूष, कैसे हैं, कहां पे यूज किया जाता है इसका, यूज किया जाता है भाई सोना और चांदी साफ करने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर। कभी कभी गांव में लोग आते हैं वो कहते हैं माता जी बहन जी जो है भाभी जी सोना साफ करा लीजिए, पैसे नहीं लेंगे फ्री में कर देंगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप गोल्ड और सिल्वर को एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो ये बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर उसमें घुल जाएगा, और जब ये घुल जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपका जो टोटल मात्रा है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सोना को साफ नहीं करते बल्कि साफ ही कर देते हैं, जैसा कि पीयूष लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सही लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हैवीएस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है कि भाई अब 2020 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा उपग्रह किस उपग्रह जो है वो किस ग्रह के हैं, ये 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो अब नया डेटा बेटा बदल चुका है, नया डेटा क्या कहता है, नया डेटा कहता है कि अब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं, शनि के हो गए हैं। कितने ग्रह उपग्रह हो गए हैं, 82 उपग्रह होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसके हैं, बृहस्पति के हैं, कितने हो चुके हैं, 79 हो चुके हैं, याद रहेगा। भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर भूलने लगो तो एक काम करो, आलमंड्स खाया करो, बादाम खाओ और चिंकारा पियो, आपकी जो है भूलने की शक्ति कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। सबसे बड़े ग्रह की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, जुपिटर है। जुपिटर के सबसे ज्यादा, पहले सबसे ज्यादा थे, अब कितने हैं, 79 है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गाइनामी, याद रहेगा, किसका है, जुपिटर का ही है, ठीक है, क्लियर है सभी को, यस बिल्कुल सही लिख रहे हैं दीनदयाल, सही लिखा, सैटर्न के पास सबसे अधिक उपग्रह, बिल्कुल सही लिखा है दीनदयाल आपने, एकदम सही जा रहे हो, ठीक है ना। आगे चलें, ओके, ये देखो पिक्चर बना हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा बताओ जरा भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा किस ग्रह किस जो है वो ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा चमकीला तारा ये भी किसको कहा जाता है, ये तीनों एक ही कहे जाते हैं। एक और चीज कहा जाता है इसको, पृथ्वी की बहन भी से कहा जाता है, बताओ आंसर। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सारे स्टार जो है वो इन्हीं को कहे जाते हैं, बताइए फटाफट क्या आंसर बनेगा। Yes.
और भैया शेयर वेयर कर दो यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वीनस, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर क्या बनेगा। ये क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एयर। यस, बताइए क्या बनेगा। देखिए अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंसान सांस छोड़ता है और जब वो सांस छोड़ता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कोई भी चीज आप जलाइए, कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एक ही प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और वो है फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन केवल एक ही चीज में निकलता है और उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। CO2 रिलीज होता है। क्लियर है सभी को? है ना, कंफर्म है? आगे चलूं मैं? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इन द आरबीसी मेक द ब्लड रेड इन कलर। आरबीसी में कौन सा तत्व रक्त को लाल बनाता है? तो अगर आपका खून लाल है, यस, ज्ञानेंद्र अवस्थी ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, बहुत बढ़िया ज्ञानेंद्र। अगर आपका खून लाल है, आपका क्या सभी का खून लाल होता है? लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिनका खून लाल नहीं होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्लू भी होता है, राइट? तो अब वो कह रहा है कि वो किसके कारण है। तो देखो होता है क्या है, सबसे पहले आरबीसी जो सेल है इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना, CO2 और O2 को लेके जाना और लेके आना। ये कार्य किसका है? ये कार्य है मुख्य रूप से आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिन तक। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, देखो सारे पूछे जाते हैं। और ये मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। इसमें एक जो है मुख्य रूप से इसके लाल रंग होने का कारण है एक आयरन का पाया जाना। किसका पाया जाना? आयरन ऑक्साइड का पाया जाना। क्लियर है सभी को? याद रहेगा आपको? बिल्कुल याद रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना वर्ष दिस तक भारतीय महिला सैनिकों के पहले बैच को चालू करने के लिए तैयार है। पहले महिला बैच में लगभग 100 महिलाओं को लिया जाएगा और इन महिलाओं से सबसे पहला एक आर्मी कमीशन बैच बनाया जाएगा। और ये कब तक बनाया जाना है? तो ये 2021 तक बनाया जाना है। ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये 2021 तक बनाया जाना है। क्लियर है? याद रहेगा दोस्तों? बिल्कुल याद रहेगा। चलो अभी आपको स्टैटिक भी मैं पढ़ाऊंगा इसी सेशन में और करंट अफेयर भी, दोनों ही चीजें आपको यहीं पर मिलेगी, स्टैटिक और करंट अफेयर, इसी एक घंटे के सेशन में। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं करा देता हूं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी करा देता हूं, स्टैटिक और करंट अफेयर करा देता हूं, सब कुछ मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग, मतलब जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिका से, केंद्र शासित प्रदेश से या फिर पंचायत से? बताओ फटाफट क्या आंसर है। और भैया लाइक वाइज जरूर कर दो। यस, लाइक वगैरह करते चलो। ठीक है, यस, यूनियन टेरिटरी आंसर दे रहे हैं। प्रत्युष ने आंसर दिया है, यास्मीन ने आंसर दिया है, पीयूष ने आंसर दिया है। बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर क्या है? यूनियन टेरिटरी। बेटा राज्य किससे संबंधित है? भाग 6 से संबंधित है। क्लियर है? राज्य जो है किससे है? वो भाग 6 से है। नगर पालिकाएं कौन से जो है वो भाग से संबंधित? कुल कितने भाग है? पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है भाई? कितने भाग है? टुल टोटल 22 भाग हैं। इन 22 भाग में राज्य 6 में आता है,
नगर पंचायत और नगर पालिकाएं ये दोनों भाग 9 में आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश ये भाग 8 में आते हैं। याद रहेगा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में भी म्युनिसिपैलिटी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी की बात ही हो रही है। टू आंसर सही है, टू आंसर सही नहीं है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश ही बनेगा इसका। पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लौह का अयस्क नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो आयरन का अयस्क नहीं है, बता फटाफट। निम्नलिखित में से कौन लौह का अयस्क नहीं है? कामदेव लिख गया, गलत है भाई, ये क्यूपराइट है, ठीक है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट। तो देखो है क्या यहां पे, बताइए फटाफट क्या आंसर बनेगा। बताइए बताइए फटाफट क्या आंसर बनेगा भाई। बच्चों को लगता है जो है टाइम में कंफ्यूजन हो गया है, क्लास 12 बजे से होती है, बच्चे 1 बजे से सोच रहे हैं। भाई क्लास जो है वो 12 बजे से होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, दो तीन दिन जो टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया इसी वजह से है ये। चलो देखो, आयरन के जो अयस्क होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिडराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट होता है, एक और होता है लैमोनाइट। क्यूपराइट किसका होता है? कॉपर का होता है, याद रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो आयरन है, जो लोहा है, वो किसमें पाया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नेटाइट। कितना परसेंटेज होता है? 75%। क्लियर है। दूसरे नंबर पर हेमेटाइट में कितने परसेंट पाया जाता है? लगभग 72%। सबसे कम किसमें पाया जाता है? लैमोनाइट में। कितना परसेंट? लगभग 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद के सम्मेलन द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आयोग पिछड़े वर्ग की उसकी बात करें, यस 12 बजे ही क्लास होगी डेली। राष्ट्रीय आयोग अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था मंडल आयोग। ये जो मंडल आयोग है ये कब इसका निर्माण किया गया था, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। तो 1979 में मुरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है, 1979 में मुरारजी देसाई के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाद में बीपी सिंह की जब सरकार आई, कब आई बीपी सिंह की सरकार, ये 1990 के अराउंड की बात हो रही है, जो है 93 के अराउंड की बात हो रही है। तो 1993 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और ऐसे में पूरे देश में एक हड़कंप मच गया। क्या हड़कंप मचा? कि भाई अगर इसी तरीके से रिजर्वेशन देते चले गए तो देश का क्या हालत होगा। बहुत सारे अलग अलग जो संगठन थे उन्होंने इसका विरोध किया और ये जो इंक्लूड किया गया है वो आर्टिकल 328B में किया गया है। ये सही आंसर दिया था सबसे पहले पीयूष ने, सही आंसर दिया है दिव्या ने, सही आंसर दिया है, दो लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। क्लियर है, चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पीनस एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है, आपको बताना है कि जो पीनस एनीमिया है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताओ जरा फटाफट।
B2, B6, B1, B12. B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन. केमिकल नेम याद रखना है. B6 क्या होता है? पाइरोडॉक्साइन. B1 क्या होता है? B1 होता है हमारा थायामीन. और B12 क्या होता है? साइनोकोबालमिन. ठीक है, क्या होता है? साइनोकोबालमिन. अब देखो यहां पे पर्निशियस एनीमिया क्या है? एक तरीके की एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से होती है कोबाल्ट की कमी के कारण, क्योंकि B12 में पाया जाता है कोबाल्ट. क्लियर है? राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? B12 इज द राइट आंसर. ये सही आंसर किसने दिया था? पीयूष ने सबसे पहले सही आंसर इसका दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए निम्नलिखित के उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है. आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2016 में. कुछ भी नहीं करना है इसमें, इलिमिनेट कर देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा. सांची का स्तूपा कहां पर है? सबसे पहले अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये नहीं हो सकता है, इसे हटा दो. दूसरा हट गया. कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे. आगे चलो. सांची का स्तूपा कहां है? मध्य प्रदेश में, ये भी हट गया. अशोका का पिलर कहां पे है? ये यूपी में है, ये भी हट गया. बचा क्या? नालंदा महाविहार. यही आंसर सही बन जाएगा, चौथा आंसर सही है. तो कभी कभी हम क्वेश्चन में इलिमिनेट भी कर लेते हैं. दीनदयाल ने आंसर सही दिया है, पीयूष ने आंसर सही दिया है, दोनों लोगों ने सही आंसर दिया है. क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI आर लोकेटेड इन. कहां पर BCCI जो है वो लोकेटेड है? चलो, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली. अब देखो यहां पे राइट आंसर क्या बनेगा. अगर हम BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो पहली चीज तो ये है कि इसका निर्माण कब किया गया था. एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, तो 1928 में BCCI का निर्माण किया गया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझो कि भाई इसके अभी हाल ही में सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों ही पूछे गए हैं. तो चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली. और इसके सेक्रेटरी कौन है? ये हैं जय शाह, हमें शाह के लड़के. क्लियर है? आगे चलो. इसका भाई कहां पे हेडक्वार्टर है? मुंबई है. BCCI मतलब जो ये जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसको ये कहा जाता है कि ये सबसे रिच है, सबसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अमीर जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो है BCCI. इसी तरीके से एक ICC भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड. इसका मुख्यालय कहां पे? जरा बच्चे कमेंट में मुझे बताएं कि ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है. फटाफट आंसर दो, हेडक्वार्टर कहां पर है? हाँ, सौरभ का कार्यकाल खत्म अभी तो नहीं हुआ है शायद. नहीं, अभी नहीं हुआ है. क्लियर है? यस, वेरी गुड. पीयूष ने सही आंसर दिया है, पीयूष पराशर ने सही आंसर दिया है. ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? दुबई में. याद रहेगा कहां पे है? दुबई में. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर बताना. अब मुझे कोई बच्चा ये बताओ कि भारत में कुल कितनी स्टेट हैं और कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है, देखते कितना आपको पता है. मोस्टली बच्चे गलत ही बताएंगे. भारत में कुल कितनी स्टेट हैं और कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है, कौन बताएगा? बताओ फटाफट. कुल कितनी स्टेट है, कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है? यस, मुर्मू इज द राइट आंसर. वो बात सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू यहां पे सही आंसर बनेगा.
बाकी के ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कुल कितने स्टेट हैं और कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है। पीयूष कह रहे हैं कि सर 29 स्टेट हैं। पीयूष सही बता रहे हो? सोच लो, समझ लो अच्छे से। दीनदयाल कह रहे हैं सर 28 स्टेट हैं, कुल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले जो है वो 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक चीज बताओ, कश्मीर स्टेट से हट गया है और इसने 2 यूनियन टेरिटरी बना दी हैं, तो इस हिसाब से 9 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए और 28 स्टेट होनी चाहिए, है ना? सही कह रहे हैं? राइट। गलत है भाई। हुआ क्या है कि 2 यूनियन टेरिटरी को मिला दिया गया है, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक कर दिया गया है। कमेंट में मुझे बच्चे बताएंगे कि कौन 2 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, कब किया गया है? ये जनवरी 2020 में 2 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो अब कितनी यूनियन टेरिटरी बची हैं? 8 यूनियन टेरिटरी बची हैं और स्टेट कितने हैं? 28। तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यही इसका सही आंसर है। ये आंसर कौन दे रहा है? इनवैलिड एक्टिविटी ने सही आंसर दिया है। 2 को मिलाया गया है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला दिया गया। क्लियर है? आरिफ मोहम्मद कहां कहां के गवर्नर हैं? केरला के गवर्नर हैं। भगत सिंह कोश्यारी कहां के गवर्नर हैं? फटाफट बताइए, भगत सिंह कोश्यारी कहां के गवर्नर हैं? महाराष्ट्र के। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक कहां के गवर्नर हैं? बताइए फटाफट, गोवा के हैं। अंडमान एंड दमन एंड, यस, गोवा के, याद रहेगा। क्लियर है सभी को? चलो, जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसी झील है जहां पर पहला, जहां पर पहला जम्मू कश्मीर में जो है वो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कौन सा है? वो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक में, याद रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जम्मू एंड कश्मीर का जो केसर है उसे GI टैग दिया गया है। कहां का है? जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रहेगा। और भी इंपॉर्टेंट चीज और भी बहुत सारी है, मैं बताता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जाती है। कौन कौन से तरीके हैं? आय विधि, मतलब हम आय निकालते हैं, लोगों की आय क्या है। व्यय विधि, मतलब कितना लोग खर्च कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो खर्च कम हो गया है। और तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है कि आपके देश में कुल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इन वैल्यू को ऐड किया जाता है GDP में। GDP का मतलब कितना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उस देश के अंदर कुल कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी वैल्यू से भी हम कहीं ना कहीं जो है वो एक अर्थव्यवस्था में उत्पाद वस्तुओं की चीजें देखते हैं। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? पहला वाला। किसी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग समूह हत्या में विरोध में अपना नाइटहुड किसने त्याग दिया था? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जलियांवाला मास बाग जब किलिंग हो रहा था तो उस टाइम पे नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। बताइए फटाफट, देखते हैं कौन आंसर देता है। जिस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई है उसे अपने काव्य गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। राष्ट्रगान है क्या? अमार सोनार बांग्ला, याद नहीं होगा आपको, लेकिन CGL में इसी साल पूछा गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यही इसका सही आंसर होगा। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था।
कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल है या 13 मार्च है? बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठे हुए थे, है ना। क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि उनकी जो क्रांतिकारी थे किचलू, है ना, और सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाई थी, किसके द्वारा? आर रेनॉल्ड डायर के द्वारा, याद रहना, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में धर्मराज युधिष्ठिर रथ है, एक भीम रथ है, एक अर्जुन रथ है और नकुल सहदेव रथ है, लेकिन पंच रथों में ये चार रथ हैं, आपको पांचवे रथ का नाम बताना है। कि जो पांचवा रथ था, पूरा नाम पीयूष था, जनरल आर डायर। मयंक काला ने सही लिखा है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बहुत बढ़िया। यास्मीन ने सही लिखा है यहाँ पे, पीयूष ने सही लिखा है यहाँ, ठीक है। हत्या भी हो गई थी एक डायर की। चलो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये जो पंचरथ हैं, पंचरथ ये कहां पर हैं? तो आप कहोगे महाबलीपुरम में है। अब ये महाबलीपुरम कहां है? ये महाबलीपुरम कहां है? तो ये है तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलो, पांच रथ में कौन कौन से हो चुके हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव। लेकिन जो पांचवा रथ था ना, वो था किसका? द्रौपदी का। किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। जो विनीत कह रहा है सर कृष्ण रथ होगा, गलत है, कृष्ण रथ नहीं होगा, कृष्ण रथ नहीं होगा, द्रौपदी रथ होगा, याद रहेगा। तमिलनाडु, कुछ तमिलनाडु के बारे में और अगर आपको पता है तो मुझे बताओ। यहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर रिएक्टर है। कौन कौन से हैं? एक है कुंडलकुलम और कौन सा है? कल्पक्कम। एक और इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्नेक पार्क भी है, जहां पर यहां पर मैं गया भी हूं। स्नेक पार्क में बहुत सारी अलग अलग टाइप के यहां पे आपको स्नेक मिलेंगे, मतलब आप देख के आपको बिलीव नहीं होगा, इतने बड़े और इतने अजीब टाइप के स्नेक है यहाँ पे, दो मुंह वाले, है ना, अजीब अजीब टाइप के स्नेक है। ये चेन्नई में है और यहाँ पे मरियाना बीच भी है, आपको ये भी याद रखना है। और कुछ तमिलनाडु के बारे में अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। यस, इसका हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट है, बिल्कुल सही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में दुनिया का सबसे लंबा निर्मित जलमार्ग बताना है आपको कौन सा है, वॉटरवे कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ा है तो सबसे ग्रांड होगा, और ग्रांड इसके वजह से इसका नाम भी लिया जाएगा। चीन से एक और क्वेश्चन बनता है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो चीन है वो अपनी सीमा रेखा किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? ये क्वेश्चन भी चीन से पूछा जाता है कि चीन किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। एक याद रखना कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन 2020 के हैं। तो सबसे नदी कौन सी है एशिया की सबसे बड़ी? यांगतेज, ये सबसे बड़ी नदी है एशिया की। और सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ में बनाता है? मंगोलिया के साथ, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सही है। दीनदयाल, पीयूष, शिवानी और यास्मीन, सभी ने आंसर सही दिया है। और राइट आंसर इसका ग्रैंड कैनाल। भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, किस राज्य के साथ में, बताओ जरा। कौन सा भारतीय राज्य है जिसके साथ में चीन सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का निर्माण कब हुआ था, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था, यह क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। देखो, गदर पार्टी का निर्माण किसने किया था, कहां पे हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका निर्माण हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज,
पूछा जाता है इसका निर्माण किया किसने था, तो लाला हरदयाल और साथ में सोहन सिंह भाकना, दो लोगों ने जो है वो इसका निर्माण किया था। कब हुआ था? 1913 में, याद रहेगा कब हुआ था, 1913 में इसका निर्माण हुआ था। दोनों लोग याद है ना आपको? यस, 1913। और कुछ याद आ रहा है गदर पार्टी के बारे में? इन्होंने बहुत सारी गदर मचा रखी थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कब्बात उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुइज विज्ञापन दीन मोहम्मद गौरी, अहमद शाह दुर्गानी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बताओ आंसर क्या बनेगा? मतलब यहां गदर मूवी भी आई थी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं यहां पे विनीत कुमार, एकदम सही लिख रहे हैं। किंग खान ने तीसरा आंसर दिया, एकदम सही है। ओके, देखिए अगर हम यहां पे बात करें अलाई दरवाजा की, तो जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था उनकी दरबार में एक बहुत ही बड़े कवि जो है वो कवि रहते थे। इन कवि का नाम क्या है? इन कवि का नाम है अमीर खुसरो। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहते थे। याद रहेगा? याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने जो है जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, जिन व्यक्ति की बात हो रही है, उन व्यक्ति ने जो है अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहते थे। वही तोता हिंद, एक ही बात है, तोता ही हिंदी, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पैरट ऑफ हिंद भी कह सकते हैं, तो एक ही चीज है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। दीनदयाल विनीत कुमार बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आंसर हमारा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक स्लेव बना रखा था, एक स्लेव लाया था जिसको उसने दक्षिण में भेजा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर दक्षिण की विजय पर किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये एक अकेला शासक था जिसने सबसे पहले स्थायी सेना बनाई थी और स्थायी सेना को वेतन भी देता था और साथ साथ में इसने बाजार प्रणाली भी लागू कर रखी थी। तो सबसे पहली बाजार प्रणाली लाने वाला व्यक्ति कौन था? आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बिल्कुल, ये तबला वादक थे भाई, अमीर खुसरो जो है वो तबला वादक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि कब हुई थी? ये किसके द्वारा हुई थी? दो व्यक्ति का नाम आता है, दोनों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ये संधि की है और दूसरे हैं अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू वर्सेस अयूब खान, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है वो सिंधु जल संधि की थी और इसमें जो बीच में आर्बिट्रेटर था जिसने मध्यस्थता की थी वो कौन था? वर्ल्ड बैंक। ये भी याद रखना है आपको, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी और सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर इन दोनों ने किए थे। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 में हुआ था। पहला आंसर सही है, सबसे पहले दिया है आंसर शिवानी ने, फिर दिया है यास्मीन ने, फिर दिया है जो है वो पीयूष ने। राइट आंसर कौन सा बनेगा? पहला वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? सजातीय मिश्रण एक साथ, जैसे मान लो आप, मैं कह रहा हूं कि भाई आप अल्कोहल लेके आए और अल्कोहल में आपने वाटर मिला दिया, तो ये जो मिक्सचर बना इसे क्या कहेंगे? इसे अमलगम कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, एंजाइम कहेंगे, इमल्शन कहेंगे। अमलगम क्या होता है? Hg के साथ में जब और कोई मेटल आप मिलाओगे तो उसे अमलगम कहते हैं, ये हो नहीं सकता। एंजाइम तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो पहले से ही एक ऑर्गेनिक मटेरियल है,
या तो इमल्शन होगा या सोल्यूशन होगा। इमल्शन कब होता है? जब वो मिक्सचर आपस में मिलते नहीं है। राइट आंसर क्या बनेगा? सोल्यूशन। याद रहेगा? क्लियर है? बिल्कुल, आगे चलें। बहुत बढ़िया, सही आंसर किसने दिया है? यास्मीन ने सही आंसर दिया है और चेतना, राइट आंसर इसका बी होगा। दो दर्पणों के द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है। दो दर्पण है, एक ये दर्पण है, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 120 डिग्री है। यहां पर कोई खड़ा हुआ है। अब अगर यहां पे कोई खड़ा हुआ है तो उसकी कुल कितनी इमेज बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा फॉर्मूला याद है, लिख देता हूं। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस, ये बनेगा। क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन। लगाओ जरा फॉर्मूला, लगाओ फटाफट। क्या बन जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 180, 120 माइनस वन, ये तीन हो गया, एक कम कर दो, दो। आंसर कितना बनेगा? ठीक है, बिल्कुल। किंग खान ने सही आंसर दिया है, दीन दयाल ने सही आंसर दिया है, पीयूष ने सही आंसर दिया है। यहाँ पे पीयूष परासर और पीयूष वर्मा, दो पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए, दोनों ने आंसर एकदम सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार हर साल के आसपास घोषित किए जाते हैं। पद्म अवार्ड अनाउंस अराउंड एवरी ईयर। आपको बताना है कि भाई दोनों जो है वो कब अनाउंस किए जाते हैं? रिपब्लिक डे, सद्भावना दिवस, इंडिपेंडेंस डे और हिंदी दिवस। बताइए आंसर क्या बनेगा? हाँ सही था पीयूष। चलिए पद्म पुरस्कार हर साल। देखो एक चीज समझना कि बेटा हिंदी दिवस में पद्म पुरस्कार का कोई मतलब नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। सद्भावना दिवस में कोई मतलब नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब दो ही ऑप्शन सही हैं, या तो गणतंत्र दिवस होगा या स्वतंत्रता दिवस होगा, इन दोनों में ही एक सही हो सकता है। तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही इलिमिनेट हो गए। जब भी आपको क्वेश्चन ना आए आप इलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तब भी 50% चांसेस हैं कि आपका आंसर सही बैठेगा। क्लियर है? अब जिस दिन ये किया जाता है वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी राइट आंसर क्या बनेगा? पहला आंसर। अब आपको मुझे ये बताना है कि हिंदी दिवस, ठीक है, और सद्भावना दिवस ये कब मनाए जाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? बता फटाफट। यस, बता फटाफट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं कौन आंसर दे रहा है सबसे पहले। अरे आंसर दे दो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? यस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीयूष परासर बोल रहे हैं और शिवानी कह रही है 14 सितंबर, बिल्कुल सही है। तो हिंदी दिवस तो कंफर्म हो गया। ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, ये इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। बताओ फटाफट। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउंड। तो स्टैटिक राउंड में हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो थोड़ा बहुत जो है अभी तक स्टेट के स्टैटिक को लेके चल रहा है, तो स्टेट का स्टैटिक तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में हम और भी स्टैटिक को लेके चलेंगे, है ना। इस सेशन में मैं तीनों ही चीजें स्टार्ट कर दूं। पहले तो ये सेशन 12 बजे से स्टार्ट होता है और भैया लाइक जरूर कर दो। 12 बजे से लेके 1 बजे तक सेशन चलता है जिसमें मैं तीन चीजें पढ़ाता हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, स्टैटिक और करंट अफेयर। तीनों ही चीजें आपको 1 घंटे में मिल जाती,
ठीक है, बहुत फास्ट चलता हूँ, बहुत तेजी में चलता हूँ, और अगर एक घंटे भी अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है बैठने की तो भाई आप फिर ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हो। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, आगे चलो। दूसरी जो क्लास होती है वो 5 PM पे होती है, कितने बजे, 5 बजे होती है, ठीक है। और ये जो 5 बजे वाली क्लास है ये साइंस की टॉपिक वाइज क्लास है, इसमें मैं सारा का सारा क्वेश्चंस कराता हूँ साइंस का टॉपिक वाइज, सारा का सारा, वो कोई भी चीज हो सारा हर एक चीज आपको मिलेगी यहाँ पर साइंस के टॉपिक वाइज क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हीट, गर्मी, ऊष्मा, कितने हॉट हो आप, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। सर आप जो भी पढ़ाते हैं सर वो आप शेयर कर दिया करें, देखो सबसे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, समझ रहे हो, क्योंकि कभी कभी हम शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, किस सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, बताओ आंसर क्या बनेगा। इनमें से ऐसी कौन सी सिटी है जो गोल्डन सिटी के नाम से, आप दो बच्चे अब जुड़ रहे हैं मेरे साथ में क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 1 बजे से क्लास है, दोस्त 1 बजे से क्लास नहीं है, 12 बजे से क्लास थी। फिर से मैं बता रहा हूं ये क्लास मेरी 12 बजे से होती है, 12 बजे से होती है, ठीक है। और लाइक जरूर कर दो यार दोस्त, लाइक बराबर मार्क करते रहो, आज लाइक मारो फटाक से। गोल्डन सिटी के रूप में जो है वो कौन जाना जाता है, जिस राज्य में गोल्डन सिटी है उस राज्य में जो है अभी उठापटक मची हुई है, पॉलिटिकल उठापटक बहुत ही ज्यादा। राइट आंसर दिया है बच्चे ने, जैसलमेर इज द राइट आंसर। ये कहां पे है जैसलमेर, राजस्थान में है, और राजस्थान में जो है बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 और 19 में पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं, सांभर झील जो खारे पानी की झील है कहां पर है, राजस्थान में है। चांदी का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो कहां पे है, राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पे है, माउंट आबू राजस्थान में है। और एक और चीज पूछी गई है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है, ये भी राजस्थान में है। क्लियर है। 2019 में पूछा गया है कि भवाई और कालबेलिया जो नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। और बराच नदी उदयपुर में है, ये भी कहां पे, राजस्थान में। बराच नदी बानस नदी की सहायक नदी है और बानस नदी चंबल नदी की सहायक नदी। और चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी, ठीक है, याद रहेगा। इस पे एक डैम भी बना हुआ है, बिलासपुर डैम के पूछा गया है, बिलासपुर डैम के कौन सी नदी पर है, तो बिलासपुर बांध जो है वो इसी नदी पर। आगे चलो, और कुछ पता है आपको, रणथंबोर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा है कि सरिस्का के साथ साथ में रणथंबोर भी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। पिंक सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी, ये तो हो गया गोल्डन सिटी, इसी तरीके से पिंक सिटी किसे कहते हैं, बता फटाफट भैया आंसर दो, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, कौन दोगा सबसे पहले आंसर, यास्मीन कौन करेगा आंसर सबसे पहले, पीयूष, इनवैलिड एक्टिविटी, तो अपना नाम बता दो यार, इनवैलिड एक्टिविटी सही नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलने में सही नहीं लग रहा है। जयपुर इज द पिंक सिटी, बहुत बढ़िया, जयपुर इज द पिंक सिटी, बिल्कुल सही है, जयपुर जयपुर को कहते हैं, एकदम सही लिख रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। जरा मुझे ये भी बताओ, लेक सिटी किसे कहते हैं, लेक सिटी, लेक सिटी किसे कहा जाता है, राकेश, यस राकेश मेघवाल, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो राकेश, तुम मोस्टली आंसर्स तुमने सही दिए हैं एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल, गुड, कीप इट अप, इसे लगातार पढ़ते रहो, लगातार क्लास करते रहो, तुम बहुत बढ़िया करोगे। दिव्या सही आंसर, लेक सिटी किसे कहा जाता है, यस रायसेना की पहाड़ियां भी यहां पे, यास्मीन ने सही लिखा है, बहुत बढ़िया। देखो एक दो सिटी है जिन्हें लेक सिटी के नाम से बोला जाता है, एक तो भोपाल, भोपाल को झील की नगरी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी झील है भोपाल में, है ना, यस,
और उदयपुर को भी जो है वो लेक सिटी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, द फीमेल एम्पिटी, एम्पिटी का मतलब है विकलांग महिला, विकलांग महिला का नाम बताना है। ये जो विकलांग महिला है, सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है जिसका नाम है लखनऊ, जहां से मैं अभी लाइव हूं, तो ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। लॉकडाउन में लखनऊ और लॉकडाउन एक साथ दिख रहा था सभी लोगों को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। राइट आंसर कौन सा बनेगा? सेकेंड आंसर सही है। किसने आंसर दिया है? सबसे पहले यास्मीन ने दिया है, चेतना ने दिया है, शिवी ने, शिवानी ने दिया है। इसके साथ साथ में जो है वो ये जो बच्चा है इसका नाम मैं फिर से भूल गया हूँ, राकेश ने दिया है सही आंसर, बिल्कुल सही है। पीयूष और किंग खान सभी ने आंसर सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में बेटा पुरी यात्रा होती है, और क्या होता है, जगन्नाथ भी जो है वो उड़ीसा में है, और क्या है, धनु जनु यात्रा रहती है, ये भी कहां पे, उड़ीसा में है। और बताओ, और उड़ीसा में ये सारे अभ्यारण है, लेकिन एक अभ्यारण जो है वो उड़ीसा में नहीं है बल्कि असम में है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो असम में है, बाकी मयूरभंज हाथी अभ्यारण ये तो भाई सही है, ये उड़ीसा में ही है, ये नहीं हो सकता। संबलपुर हाथी अभ्यारण उड़ीसा में ही है, सोनित हाथी अभ्यारण एक्चुअली में ये उड़ीसा में नहीं है, बल्कि ये कहां पे है, ये है हमारा असम में, एक जगह है जिसका नाम है अभयपुर, वहां पर है ये। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। और बाकी महानदी भी कहां पे, यहीं पे, हाथी अभ्यारण भी कहां पे, यहीं पे। अब जरा मुझे उड़ीसा के बारे में और चीजें बताएंगे आप लोग, उड़ीसा में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो उड़ीसा से पूछा जाता है। उड़ीसा में एक झील है जिस झील का नाम है चिल्का झील, ये कहां पे है, उड़ीसा में है, है ना, कहां पे है, उड़ीसा में। और बताओ मुझे जरा उड़ीसा में क्या, सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या, कुछ आप भी मेहनत कर लो दोस्त। चिल्का झील बिल्कुल सही है, मीनाक्षी मनु ने लिखा है चिल्का झील है। उड़ीसा से एक बहुत ही पुरी का मंदिर है, लिख चुका हूं मैं, पुरी की यात्रा हो रही है तो डेफिनेटली पुरी का मंदिर भी होगा। कुछ ऐसी यूनिक चीज बताओ उड़ीसा में जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। ये लिखा है मेरे मन की बात, ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा क्या है एक्चुअली में, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कहां का? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे कहते हैं ब्लैक पगोडा। ठीक है, और उड़ीसा के पास ही एक द्वीप बनाया गया है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, और ये जो व्हीलर द्वीप है ये किसके, इसका नाम बदल के रख दिया गया है, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब पूरे ही कंप्लीट, अब क्लास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हैवीएस्ट एलिमेंट, सबसे भारी तत्व तो आपको बताना है, यूरेनियम, पोलोनियम, ऑस्मियम या फिर मरकरी। मैं एक और चीज बता देता हूं, स्टेबल पूछा है यहां पे, विच इज द हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट। यस, चांदीपुर भी है यहां पे, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। उड़ीसा फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, बहुत बढ़िया यास्मीन, तो ये लड़की है जो एकदम पढ़ के बैठती है सब कुछ। अंशु कह रही इसका आंसर पोलोनियम होगा, सबसे भारी तत्व तो पूछा है, ध्यान देना, गलती मत कर देना, तत्व तो पूछा है वहां पे, तत्व। यास्मीन ने सही आंसर लिखा है, यूरेनियम इज द राइट आंसर, ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी मेटल है,
मेटल नहीं पूछा है, एलिमेंट पूछा है। राइट आंसर यूरेनियम होगा। ये अभी तक का सबसे भारी जो है वो स्टेबल एलिमेंट जो है वो जो अभी तक पता है। मरकरी के बारे में बता लेते हैं। मरकरी का उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं और साथ साथ में मरकरी एक अकेला मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये भी याद रखना है आपको, ब्रोमीन एक अकेला नॉन मेटल है जो किसमें जो है नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। पोलोनियम, पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। साथ में रेडियम की खोज भी की थी और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट इन इंडिया, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने देखो स्टैटिक में मैं केवल 5 क्वेश्चन लेके आता हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला था रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, और रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय दिया जाता है हेनरी बैकुरेल को, और हेनरी बैकुरेल के नाम से सबसे उसकी यूनिट भी बताई गई है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैकुरेल, क्यूरी भी होती है बट बैकुरेल भी होती है। रेडियो एक्टिविटी जो शब्द है वो मैडम क्यूरी ने दिया था। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सोयाबीन सिटी है, क्या है, ये एक सोयाबीन सिटी है। और बताओ मध्य प्रदेश के बारे में, सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज के ही दिन शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है रोको टोको। एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं, हो सकता है कि आज आपको पता चले, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना स्टार्ट की है रोको टोको, इसका वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, रोको टोको। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही लिखे हैं, कान्हा नेशनल पार्क है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेशनल पार्क से मुझे कुछ याद आ रहा है और याद ही रहा है कि देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। कितने नेशनल पार्क हैं, 96 नेशनल पार्क है आउट ऑफ 104। 104 नेशनल पार्क में 96 नेशनल पार्क अकेले मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, आगे चलें, मुझे लगता है इतना बहुत है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट राउंड है हमारा, दैट इज करंट अफेयर राउंड, तो दिस इज राउंड 3, आ गए हैं हम तीसरे राउंड में। ओके, बिल्कुल सही लिखा है अंशु कुमारी ने, बहुत बढ़िया अंशु। ये लड़की जो है, लड़की लग रही है, ये लड़की जो है करंट अफेयर में काफी अच्छी है। गुड, माधव नेशनल पार्क भी है, बिल्कुल लिखा है, सही बिल्कुल लिखा है। अब राउंड 3 रेडी है आप लोग, भाई बिल्कुल रेडी होंगे। अब इस राउंड में एक बात है, यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देने हैं, यहां पे आपको मैं लिखूंगा और आपको आंसर देना है, टाइप करना है, तो ये टाइपिंग वाला राउंड है। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन लेसन बुक या डायरीज, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। लॉकडाउन लेसन डायरी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसके द्वारा लिखी गई है वो बहुत ही बड़ी
जो है वो राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारी उन्होंने जो है वो बहुत सारी बुक लिखी हैं। जैसे एक बुक लिखी है 70, एक बुक लिखी है सिस्टर और एक बुक लिखी है सेठ जी। ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई। बताओ आंसर क्या बनेगा यार, कमेंट नहीं आ रहा बच्चों का। और लाइक भाई करते रहो, चलो लाइक जरूर करते चलो। क्या ये लिख देता हूं मैं, राइट आंसर है इसका शोभा डे। शोभा डे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रख हौसला हिम्मत ना हार, रख हौसला हिम्मत ना हार। ये जो गाना है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये आर्मी से रिलेटेड है। अब ये लाइक जरूर कर दो, आपके कमेंट नहीं आ रहे, आप कमेंट कर नहीं रहे हैं या आ नहीं रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आ नहीं रहे। चलो, रख हौसला हिम्मत ना हार, ये जो गाना है ये रिलीज किया गया था आईटीबीपी के द्वारा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है वो पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो आईटीबीपी कहते हैं। इसके अधिकतर पूछे जाते हैं कि भाई इसके जो है वो हेड कौन है, तो सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल इसके जो है वो हेड है। क्लियर है, अभी भी किसी का आंसर नहीं, अब आंसर आने स्टार्ट। विनीत कुमार ने आंसर दिया है आईटीबीपी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह सॉन्ग इज रिलीज फॉर द कांस्टेबल विक्रमाजीत सिंह। बहुत बढ़िया, सुने सही लिखा है, किंग खान ने सही लिखा है। तो बाल श्रम निषेध दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून। क्लियर है, यास्मीन ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया यास्मीन, बेटा कीप इट अप, बहुत बढ़िया तुम आंसर देती हो, सही आंसर देती हो। चौथा क्वेश्चन, 12 जून को, बिल्कुल सही है। पंचवटी योजना, एक मिनट, पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? जिस राज्य के द्वारा लागू की गई है उस राज्य के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। यहां के गवर्नर का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश। एचपी इज द राइट आंसर। बच्चे यूके बता रहे हैं आंसर, बताओ ये कैसे काम चलेगा? आपको अभी तक सीएम ही याद नहीं हुए हैं, अगर आपको सीएम गवर्नर याद नहीं हुए हैं तो कैसे काम चलेगा? और ये लाइव ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन सेशन का एक और पूछ लेता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, टोनी ड्यूक की का निधन हुआ है, टोनी ड्यूक का हाल ही में निधन हुआ है। आपको बताना है कि टोनी ड्यूक जो है वो क्या है। ये यूके से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। ये किससे रिलेटेड है? काफी टाइम हो गया है, बताओ आंसर क्या बनेगा। दीनदयाल भंडारू, बिल्कुल सही लिखा है दीनदयाल ने, लव लाइफ में सही लिखा है, अंशु ने सही लिखा है, चेतन ने सही लिखा है। डायरेक्टर थे किंग खान के, डायरेक्टर थे टोनी ड्यूक, डायरेक्टर नहीं थे।
गलत है आंसर, डायरेक्टर नहीं थे, और गेस करो। प्रोफेशनल बॉक्सर, पीयूष कह रहे हैं गलत, फिर से गलत, बॉक्सर भी नहीं थे। और सोचो, ये एक स्पोर्ट पर्सन थे, अब किस खेल से जुड़े हैं आप बता दो। चलो, ये एक स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, आपको बताना है किस खेल से जुड़े हैं ये। ये एक फुटबॉल प्लेयर थे, क्या थे, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ गए। तो ये लाइक जरूर कर देना सेशन को। तो आज के सेशन में इतना ही, आज हमने जो है एक तो क्या क्या पढ़ा है, एसएससी सीजीएल मार्च 2020 का पेपर हमने जो है सॉल्व किया है, इसके साथ साथ हमने स्टैटिक भी पढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने जो है वो करंट अफेयर भी पढ़ा है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं आने वाले एग्जाम में, अगर आप फरवरी से लेकर और अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मैं स्टैटिक भी बताऊंगा, करंट अफेयर भी बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसी सेशन में करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं लिख देता हूं, 8574229102, ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल करके अपनी क्वेरी भी ले सकते हैं, आप मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं एसएससी के बारे में, सीजीएल के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, रेलवे के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में आप हमें जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। बेटर होगा आप मुझे मैसेज करना, मैं खुद ही आपको टाइम मिलेगा तो कॉल कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, बाय बाय, बने रहिए और देखते रहिए नॉलेज 365, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी।